अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी ईद बहुत अच्छी जा रही होगी। मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। अल्लाह ताला आपके लिए ईद बहुत सारी खुशियाँ लेके आए, बहुत सारी मुसरतें लेके आए और आपका आने वाले दिन बहुत अच्छे जाएँ। आमीन सुम्मा आमीन। सो जनाब, आज का व्लॉग आपने पूरा देखना है, बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत इन्फॉर्मेटिव व्लॉग है। यह बहुत ज़्यादा मेहनत से बना है। हुआ ये कि ईद के फर्स्ट डे मैं अपने एक फैमिली फ्रेंड के घर दावत में गई थी। वहाँ से दावत अटेंड करके मैं डर्बीशायर पहुँची। मैं पहुंची 5 बजे और उन्होंने स्लटर हाउस विजिटर्स के लिए बंद कर दिया था। हुआ फिर ये कि मैं मतलब ऑल द वे पहले मैं गई थी मैनचेस्टर टू ब्रैडफोर्ड, ब्रैडफोर्ड टू डर्बीशायर, उसके बाद मैं डर्बीशायर से मैनचेस्टर दोबारा गई और फिर सेकंड डे दोबारा गई मैनचेस्टर टू डर्बीशायर अर्ली इन द मॉर्निंग, बिकॉज क्योंकि स्लटर हाउस बंद हो जाता है विजिटर्स के लिए एक पर्टिकुलर टाइम पर। उसके अलावा वैसे तो अलाउ होता है लेकिन शाम के वक्त बंद कर देते हैं क्योंकि उस वक्त डिस्ट्रीब्यूशन हो रही थी कुर्बानी की गोश्त की ना। सो आज के व्लॉग में मेरी बहुत मेहनत और बहुत टाइम लगा, बहुत पेट्रोल भी लगा है मेरा। सो आप लोगों ने पूरा व्लॉग देखना, अगर आपको अच्छा लगे तो आप लोगों ने मुझे सब्सक्राइब जरूर करना है, लाइक करना है, शेयर करना है इस वीडियो को। अच्छा जी, बिफोर गोइंग टुवर्ड्स अ व्लॉग मैं आपको ज़रा सी इन्फॉर्मेशन देती चलूँ यहाँ पे कि यूके में काम जो है ना कुर्बानी का दो तरह से होता है। या तो आप शॉप जो मीट शॉप्स होती हैं उनके पास जाके पैसे देते हैं और वो आपकी कुर्बानी करते हैं फिर आपको गोश्त दे देते हैं। सेकेंडली या तो ऐसे होता है कि आप स्लटर हाउस जाते हैं, डायरेक्ट बुकिंग कराते हैं, वो आपको गोश्त दे देते हैं आपका। और जितने भी अब्रॉड कंट्रीज़ होते हैं ना, वहाँ पे ना कुर्बानी के जानवर आप घर नहीं ला सकते अपने। सो आप बस वहीं पे जब स्लटर हाउस जाते हैं वहाँ पे जानवर पसंद करते हैं और कुर्बानी करते हैं। इस वीडियो में ना मैं कोशिश ये कर रही हूँ कि आपको वो प्रोसीजर दिखाया जाए जिसके थ्रू ना काम होता है कुर्बानी का, जिसके थ्रू लोग जाते हैं बुकिंग कराने। अच्छा जी, यहाँ मैं गई थी नजीब एंड सन्स लिमिटेड, ये स्लटर हाउस है और ये है डर्बीशायर के अंदर। ये स्लटर भी मतलब कुर्बानी वगैरह भी करते हैं और इसके अलावा ये डिस्ट्रीब्यूट भी करते हैं मीट अक्रॉस द यूके डिफरेंट डिफरेंट सिटीज़ में, लाइक मैनचेस्टर, बर्मिंगम, यॉर्कशायर वगैरह में। अच्छा, ये स्लटर हाउस को पिछले 30-32 साल से काम कर रहा है और बहुत बड़ी स्पेस पे बना हुआ था ये। मैं तो पूरा कवर कर भी नहीं सकी क्योंकि जाहिर सी बात टाइम कम था और ये बहुत ज़्यादा बड़ा था मेरे लिए। और इन भाई का नाम था मोहम्मद हुसैन, इन्होंने हमें पूरा गाइड किया था, बहुत सारे मेरे क्वेश्चंस का आंसर भी किया और अंदर से भी काफ़ी जगहों से इन्होंने हमें दिखाया था। अच्छा, आज ईद का ना दूसरा दिन है यूके में, बहुत से लोग आज तीसरा दिन भी है लेकिन आज भी कुर्बानी चल रही थी और यहाँ पे अभी भी सुबह सुबह कुर्बानी हुई थी तो खाले रखी थी बाहर। ऑल दो यहाँ पे खाले रखी हुई थी लेकिन ये वॉश थी और बहुत साफ सुथरा था, कोई खून नहीं था नीचे कहीं। तो ये आप लोग खालों का क्या करते हैं? तो सेल करते हैं, सेल करते हैं मार्केट। कंपनी वाले आते हैं, कंपनी लेके जाती है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो आप ये कुर्बानी करने आते हैं? ईद के डेज में ही होती है ना, सिर्फ 3 दिन से पहले नहीं आ सकते आप? नहीं नहीं, उससे पहले नहीं आती यार कुर्बानी, बस पहला दिन होता है हमारा, पहला दिन था वेडनेसडे को। अच्छा अच्छा, मैन जो वही था। सही सही, काफी बंदे थे ना कुर्बानी हुई है, काफी आज कल भी बहुत ज्यादा बंदे आए। ये हमारी शीप्स हैं, तो कुर्बानी होती है वो शीप्स की होती है, गोट की होती है? शीप्स गोट की होती है और टॉप की होती है, बाकी जो हम लेला कहते हैं। सही 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 सही, की होती है, बस यही होते हैं। तो यहाँ पे गाय की नहीं होती ना? नहीं, गाय की नहीं होती। गाय की नहीं होती, क्यों नहीं होती, कोई वजह? ऐसे हमारे पास गाय है ही नहीं। अच्छा, है ही नहीं गाय, किस्सा ही मुक गया, गाय नहीं है। ये इसके ऊपर कलर क्यों लगे हैं? इस पर कलर क्यों लगे डिफरेंट डिफरेंट? ये अच्छा कंपनी से आते हैं। सही, हेलो, सब सब्सक्राइब कर लेना मेरा चैनल। बेचारी कैसे देख रही है? ये लैम है। अच्छा, ये लैम है। हाँ, इनकी कुर्बानी नहीं होती, इनकी नहीं होती, ये क्योंकि अंडर एज होते हैं। अच्छा, अंडर लोग एज होती है जिसकी कुर्बानी होती है शीप? जी, वो मैक्सिमम 1 ईयर होती है, मिनिमम होती, मिनिमम 1 ईयर होनी चाहिए, उससे छोटे की कुर्बानी नहीं होती। ऐसे नहीं होती है, डिसाइडेड गवर्नमेंट की तरफ से? किस तरफ से? नहीं, ये तो डिसाइडेड इस्लाम में भी है ना, इस्लाम में भी। हां, सही सही, अंडर 1 ईयर नहीं हो सकती। सही 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 सही, से ऊपर होना चाहिए। सही, वो वाले 1 ईयर से ऊपर, ये सारे नीचे उनके। और बेचारी सड़ी डर ही रही है, वो देखना कैसे भाग रही है देखकर। अच्छा, यहाँ पे जो रेट्स होते हैं आपके पास, ये आप खुद डिसाइड करते हैं या शायद पीछे से भी होता होगा कि किधर मार रेट चल रहा था? इधर शीप का चल रहा था स्टार्टिंग 230 और जो टॉप होता है जिसको लेला कहते हैं जी 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 250 था और गोट का था 250 और ये सब शीप्स का 250 है, मतलब 230 है। ऐसा नहीं है कोई ज्यादा है कोई कम है, सबका फिक्स है और कोई भी आप हाथ लगाएं कोई भी ले जाएं, मतलब आप कुर्बानी। सही सही, और उनका एक में मैक्सिमम कितना गोश्त निकलता होगा? ओवर 25 है सारे। सही सही सही, वैसे पाकिस्तान में जैसे ही होता है ना कि जो मोटा ताजा है उसके ज्यादा पैसे हमारे पास होते हैं, 25 से स्टार्ट होता है तकरीबन 32 तक जाता है। सही,
अच्छा, जो नॉर्मल डेज में कुर्बानी करते हैं ना, मतलब एक्सेप्ट बकरा ईद, तो ये लोग करते हैं अराउंड 800 to 900, और जो वीकेंड पे कुर्बानी होती है इनकी, जो डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह होती है वो होती है 1500 से 1600 पर डे की कुर्बानी। कितने दिन होते हैं, जैसे फर्स्ट डे कितने होंगे अंदाजन? 3000 माशाल्लाह, सही। और ये फिर इनके तीनों दिन होती रहती है। अच्छा, इसके अलावा कोई सदके वगैरह का बकरा भी आप लोग करते हैं? अच्छा अच्छा, वो तो नॉर्मल डेज में आ सकते हैं यहाँ पे, सही। और इसके भी ऐसे ही रेट्स होते हैं, उसके डिफरेंट रेट्स हैं? उसका डिफरेंट रेट होता है, कुर्बानी पे रेट डिफरेंट होते हैं, सही। इतना ज्यादा नहीं होता, नॉर्मल थोड़ा कम है। हाँ, कम होता है, कुर्बानी पे ज्यादा। सही सही, तो नॉर्मल रेट में होते हैं। अच्छा जो, अच्छा जो यहाँ पे आपके जानवर हैं, ये मतलब किसी प्रॉपर मतलब चेक इन थ्रू के आते हैं? इधर आके आके फिर जब आते हैं ना, हाँ जी, हाँ जी, पहले भी इंस्पेक्टर हैं, इंस्पेक्शन वाले। अच्छा, वो चेक करते हैं उसको पहले, फिर जब आने के बाद भी आगे खड़े होते हैं, दो तीन इंस्पेक्टर होते हैं, वो चेक करते हैं अगर कोई खराब वगैरह हो, फेंक देते हैं। अच्छा, वापस सेल नहीं होता है वो, गवर्नमेंट के होते हैं इंस्पेक्टर? हाँ जी, गवर्नमेंट के इंस्पेक्टर। सही सही सही, तो वो आके चेक करते हैं कि यार, अच्छा जैसे कोई बीमार जानवर है तो वो पहले से वहाँ से निकाल देते हैं या यहाँ पे आके भी आप देखते हैं दोबारा उसे? हम इधर आके दोबारा देखते हैं। अच्छा, बीमार होते हैं फिर नहीं करते वो जिबा, निकाल देते हैं? मतलब यहाँ पे प्रॉपर एक चैनल के थ्रू चीजें चल रही हैं, ऐसा नहीं कि जी, हाँ प्रॉपर सिस्टम के थ्रू। सही सही सही, मतलब अगर बंदा कोई जानवर सेलेक्ट करे तो उसे ये नहीं कि बीमार होगा, वो ठीक ही होगा। सही। अच्छा, इनका जो स्लटर हाउस ना अंदर, उसके इनसाइड भी कैमरे लगे, हर स्टेप के ऊपर कैमरे लगे, अगर वो खाल उतारे तो वहाँ पे भी कैमरे, अगर वो स्लटर हो रहे हैं तो वहाँ पर भी कैमरे, ताकि एक प्रॉपर चेक एंड बैलेंस रखा जाए हर स्टेप के ऊपर। उसके अलावा ऑल द टाइम यहाँ पे 4 to 5 गवर्नमेंट के इंस्पेक्टर्स रहते हैं, जो हर स्टेप को मॉनिटर कर रहे होते हैं। उन इंस्पेक्टर की ड्यूटी स्टार्ट हो जाती है एज सुन एज आपके पास जो शीप है, गोट है, वेयर हाउस में आते हैं, वो वहाँ से फर्स्ट स्टेप को मॉनिटर करते हैं अनटिल द डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब खाल उतारना, उसकी कटिंग होना, कुर्बानी होना, सब कुछ वो मॉनिटर करते हैं, रजिस्टर कर रहे होते हैं अपने पास, और सब कुछ बहुत हाइजेनिक होता है, बहुत प्रॉपर थ्रू चैनल चल रहा होता है। अच्छा, लोग यहाँ से आके, अच्छा अच्छा, माशाल्लाह काफ़ी जानवर है आपके पास, माशाल्लाह से। अच्छा, जो इस तरफ रखे थे ना सारी जो शीप्स वगैरह थी और जितने भी बकरे वगैरह थे, इस वक्त कुर्बानी इधर से हो रही थी, मतलब जो बाहर से आता था वो यहाँ से अपने हिसाब से चूज़ करता था बकरा या फिर शीप, और फिर उसकी कुर्बानी होती थी। और यहाँ ये भी बता रहे थे कि यहाँ इनके कानों में ना स्टिकर लगे हुए थे, मैं जूम करना चाह रही थी पर मुझसे हुआ नहीं यहाँ पर समहाउ, तो उनके कान में स्टिकर लगे थे, मैंने समझी कि वो पियर्सिंग हुई है, तो उन्होंने मुझे बताया कि वो पियर्सिंग नहीं है, बस वो स्टिक हुए हैं, और वो इसलिए स्टिक हुए थे, डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज़ के बकरे होते तो हर कंपनी के स्टिकर लगाती है बकरे के कान पर, ताकि उसकी ना पहचान हो सके कि वो उसकी कंपनी से बिलोंग करता है बकरा। अच्छा, इसके बिल्कुल सामने ना स्लटर हाउस बना हुआ था, स्लटर हाउस मतलब वो जगह जहाँ पे बकायदा ज़िबा होता है, तो आपको यहाँ पे क्यू लगाना पड़ती है, आपका नंबर होता है और आप अपने ना बकरे को देख सकते हैं कुर्बान होते हुए, मतलब उसकी कुर्बानी देख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने एक और बड़े मज़े की बात बताई कि यहाँ पे बहुत से स्लटर हाउस ऐसे हैं जो अपने आप को हलाल कहते हैं, पर वो वहाँ पे पिक की भी कुर्बानी करते हैं। सो अगर आप किसी के पास जा रहे हैं जो कह रहे हैं हम स्लटर हाउस हमारा हलाल है, तो आप उनके सर्टिफिकेशन देखें, बाकायदा उस पर लिखा होगा कि वो पिक वगैरह की नहीं करते, ओनली वो हलाल कटर करते हैं। और यहाँ पे बाकायदा जो कुर्बानी होती है ना, वो बाकायदा आपके ना मतलब प्रॉपर जो ज़िबा वगैरह करते हैं, छुरी वगैरह फेरते हैं, उस तरह से होती है। मतलब बहुत से स्लटर हाउस में मशीनों के थ्रू कुर्बानी होती है, जो मशीनों के थ्रू कुर्बानी होती है वो फिर मानी नहीं जाती, वो आप कुर्बानी नहीं कह सकते उसका एक्चुअली। अच्छा, यहाँ पे ऐसे कोई प्रॉपर बकरा मंडी तो नहीं होती, ये स्लटर हाउस ही होते हैं जो अपने आप बकरे रखे होते हैं, शीप रखे हुए होते हैं, और आप यहाँ से आके सेलेक्ट करते हैं। लेकिन आप इन जगहों पर अपने बच्चों को भी ला सकते हैं, उन्हें बता सकते हैं कि यार हम क्यों सुन्नत इब्राहिमी पूरी करते हैं, इसका एसेंस क्या है, इसकी अहमियत क्या है मज़हब में हमारे, और इस तरह से आपके बच्चों के अंदर भी ना इंटरेस्ट डेवलप होता है अपने मज़हब से रिलेटेड, इन कुर्बानी का शौक पैदा होता है, ईद का शौक पैदा होता है। ये तो सो रहे हैं सारे, अभी इनकी बारी नहीं आई, इनकी चांपे नहीं बनने वाली अभी। अरे डर क्यों रही हो बहनों भाइयों, अले अले डर क्यों रही हो भाई, और बेचारे डर गए, सो सॉरी। अच्छा, जिस एरिया में कुर्बानी होती है ना, इसके बिल्कुल साथ ही यहाँ ट्रक खड़ा था, इसके पीछे और बड़े बड़े ट्रक भी खड़े थे, यहाँ से जितना भी वेस्टेज होता है कलेक्ट करता है और उन ट्रक्स में जाके डालते हैं, और वो ट्रक से एक कंपनी इनके पास, इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ, वो कंपनी वो सामान लेके जाती है वेस्टेज का और जाके डिस्पोज ऑफ करती है, तो ये बाकी सारा जो इनका एरिया था बिल्कुल साफ सुथरा था। अच्छा, इसके साथ ही ना कटिंग करने के बाद प्रॉपर इन्होंने एरिया बनाई हुई थी, बहुत ज़्यादा कोल्ड एरिया थी ये, और यहाँ पे प्रॉपरली गोश्त कटा हुआ था, साफ सुथरा गोश्त था, और इसको ना उन्होंने पैकेट्स में बंद किया हुआ था, जहाँ आगे डिस्ट्रीब्यूट होना था वहाँ पे कर देना था इन्होंने। अच्छा, इस एरिया में ना यह कोल्ड एरिया था, कोल्ड एरिया का ही पार्ट था एक्चुअली, इसके अंदर ना प्रॉपर यहाँ पे ना हैंग हुआ था लैम और शीप्स ना, और इसके ऊपर स्टैम्प्स लगी थी, जो चकोर तरह की स्टैम्प थी ना वो थी हलाल की,
विद कुर्बानी, ये कुर्बानी का गोश्त है और ये हलाल है। इसके बाद इस पर एक और स्टैंप लगी थी जो हलाल की लगी थी सेपरेट, और एक और स्टैंप थी वो थी बैच नंबर लिखा, तो जो इंस्पेक्टर इसको अप्रूव करता है उसका बैच नंबर होता है। अगर इस पर बैच नंबर की स्टैंप ना हो तो इसका मतलब इसे इंस्पेक्टर ने अप्रूव नहीं किया। सो बैच नंबर और हलाल की स्टैंप मस्ट है। अच्छा, कुर्बानी के बाद ना गोश्त को इस हिस्से में लाया जाता है और प्रॉपर उसका वेट होता है कि खाल उतारे के लैम का और शीप वगैरह का कितना वेट है। अच्छा, जो ये आप जो देते हैं कुर्बानी का गोश्त, वो ऐसा पूरा पूरा उठा के देंगे आप? वो खुद अपनी करेंगे, सही से देते फाइनल? और जो कुर्बानी की खाले होती है वो आप अपने पास रखते हैं, उसके पैसे चार्ज कर देंगे बस आप रख लेते? अच्छा, गोश्त कटने के बाद कुर्बानी होने के बाद इस तरह हैंग कर दिया जाता है और प्रॉपरली उसके ऊपर लिखा हुआ था किस दिन ये स्लटर हुआ था, इसका नंबर क्या है, इसका क्या नाम है, वेट कितना है, इनकी कंपनी का नाम वगैरह लिखा होता है। तो प्रॉपर एक अच्छा सिस्टम बना था अंदर। अच्छा, जो आम इंसान पहली बार पाकिस्तान से आए ना, उसे गोश्त लेना है, तो वो किसी शॉप से अगर हलाल की स्टैंप लगी तो ले सकता है वहाँ से? अगर हलाल की स्टैंप लगी तो हलाल नहीं है वो, जरूरी है स्टैंप, जरूरी है। अच्छा, जहाँ पे ये गोश्त हैंग हुआ था ना, साथ ही यहाँ पे ये कर्टन्स के पीछे ट्रक लगा हुआ था, यहाँ से गोश्त काटा जाता है और इस ट्रक में शिफ्ट किया जाता है, फिर यहाँ से आगे डिस्ट्रीब्यूशन होती है जहाँ जहाँ भी ये डिस्ट्रीब्यूट करते हैं नियर बाई एरियाज में। और मुझे इस स्लटर हाउस की सबसे अच्छी बात ये लगी, ये बहुत साफ सुथरा था अंदर से, मतलब कहीं भी ऐसा ना खून के मार्क वगैरह नहीं था कि आप कहीं यार गंदगी है, ये वेस्टेज पड़ा हुआ है, बहुत क्लीन था अंदर से ये। अच्छा, यकीन मानिए मैं यहाँ से बाहर आ रही थी ना, दिल को बहुत सुकून था कि यार देख के तसल्ली हुई, जो भी हम खा रहे हैं साफ सुथरा खा रहे हैं, हम लैम और शीप ही खा रहे हैं, हम कोई खोता वोता नहीं खा रहे हैं। यहाँ पे अगर कोई जॉब करना चाहता हो, बंदा आया हो पाकिस्तान से जॉब करना चाहता हो, नहीं आपके पास अप्लाई कर सकते हैं के लोग? अप्लाई कर सकते हैं अगर उसके पास पूरे पेपर है तो, मतलब लीगली कोई आया वो? अच्छा, स्टूडेंट्स को भी जॉब देते हैं आप? भी 20 आवर्स अगर करना कर सकते हैं आप लोग, देते हैं जॉब? दे देते हैं। हाँ, तो अगर यहाँ पे कोई आता है आपके स्लटर हाउस में काम लेने, प्रॉपर लीगली ऑफकोर्स पेपर कम्प्लीट हो, सब कुछ हो, तो आप जॉब भी दे देते हैं? जॉब दे देते हैं। सही सही, क्रीम का ऑर्डर उसके लिए ना। सही। अच्छा, एक बात बताएं, जो जानवर बीमार होता हुआ जैसे फोर्स, अब उसका क्या करते होंगे? वो तो वापस लेते नहीं है ना, लेते ही नहीं है, लेते नहीं वापस। वो पहले स्टेप में वहीं पे निकल जाता है, ये आप लोग यहाँ आके रियलाइज करते हो? निकाल के वापस दे देते हैं, वापस दे देते हैं। वो बीमार तो सब आप करते नहीं है ना। हाँ जी, वो कुर्बानी नहीं होनी उसकी तो? जी जी, कुर्बानी कबूल ही नहीं होना उसका तो। सही, बंदे जा रहे हैं जिन्हें कुर्बानी की है। अच्छा 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 अच्छा, अपना अपना हिस्सा लेके जा रहे हैं, कुर्बानी लेके जा रहे हैं। और कुर्बानी के डेज में कितने बजे से कुर्बानी स्टार्ट होती है सुबह में? कुर्बानी फर्स्ट डे सर हमारा वेंसडे था, हमने सुबह स्टार्ट किया 6 बजे किया। सही, और फिनिश किया रात को 9 बजे। रात को 9 बजे पूरा दिन कुर्बानी होती रही माशाल्लाह। कुर्बानी होती है। सही, ऐसी मेडिकल की टीम भी होती है जो आपके बकरों को चेक करती है? जी जी। अच्छा, पाकिस्तान में तो अपने 2 दांत का बकरा, 4 दांत का बकरा, वो क्या होता है? वो तो करते हैं ना। अच्छा, यहाँ भी होता है? वो कहते हैं हमें दांत दिखाओ। अच्छा, दांत दिखा। अच्छा, इनकी टीम में 2 वेट डॉक्टर तो रेगुलर रहते ही रहते हैं, इंस्पेक्टर्स के अलावा इनके अपने पास 2 वेट हैं जो इनके ना बकरों को चेक करते हैं रोज़ाना प्रॉपरली, और फिर अगर उसमें से सही कोई नहीं होता है, बीमार होता है, तो उसको निकाल दिया जाता है और वही जानवर रखा जाता है, उसी की कुर्बानी होती है जो प्रॉपर फिट हो। चलो हसनैन भाई, आपने बहुत इन्फॉर्मेशन दी हमें, थैंक यू सो मच, आपने तक टाइम दिया हमें। चलिए जनाब, आज का ब्लॉग बस यहीं एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा, कुछ नया देखने, कुछ नया सुनने को मिला हो आपको इस ब्लॉग से। और अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट बिलो, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, आपका फीडबैक बहुत वैल्यू रखता है मेरे लिए। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड डू प्रेस दैट बेल आइकन बटन, सो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे मेरी नई वीडियोज़ का। इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। हैव अ नाइस डे एंड हैव अ नाइस ईद। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।